तो गाइज अभी मैं हूँ गाड़ी में अपनी, एंड फिलहाल गाइज मेरा को सामान आया था फेमपे का। हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड गाइज आज हुई है चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश, एंड पता नहीं क्या सीन है, कभी हो जाती है, कभी रात को होती है, कभी सुबह होती है, कभी दोपहर में हो जाती है, पता नहीं क्या सीन है गाइज इसका। एंड फिलहाल गाइज अभी मेरे नोज़ पे हो रहे हैं कुछ ब्लैक हेड्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पिंपल्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था एंड वो आज मुझे रिसीव हुआ है, नहीं कल हो गया था। तो गाइस उसको मैं आज यूज़ करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है। पहले मैं उसको लगा लेता हूँ आपके सामने। तो गाइस आपने देखा ये और ये, पता नहीं कैसा लग रहा है, जोकर सा। एंड फिलहाल गाइस यही है जो मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था, क्योंकि गाइस नाक पे डार्क पिंपल्स है, यहाँ पर भी डार्क पिंपल्स वगैरह हो रहे थे। तो ये 10 मिनट बाद मैं रिमूव कर दूंगा, तो देखते हैं 10 मिनट बाद कैसा दिखता है। तब तक मैं चाय वगैरह पीऊँगा अपनी मस्त। फिलहाल अभी जल्दी से इसको रिमूव करते हैं 10 मिनट्स लेटर। ओके तो गाइज अभी मैं हूँ गाड़ी में अपनी, एंड फिलहाल गाइज मेरे को सामान आया था फेमपे का, मैंने कार्ड पर ऑर्डर किया था। तो ये गाइज मेरे को मिला है आज दो महीने बाद जाके गाइज। एंड फिलहाल अभी मैं इसको गाड़ी में अनबॉक्स करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। फिलहाल गाइज मेरा पहला वाला कार्ड था वो खो गया था फेमपे का, तो अभी मैंने ये दूसरा मंगवाया, तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। पहले वाले की पैकेजिंग बढ़िया थी गाइज, लेकिन जो मेरा पहले वाला फेमपे कार्ड था, तो इसका देखते हैं क्या सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गाइस ये अपना फेमपे कार्ड। एंड फिलहाल फ़ोन को कैसे होल्ड करूँ यार, कुछ लटकाने का काटने का कुछ भी नहीं है यार। तो एक सेकंड लटका रहा हूँ यहाँ पर, देखो गाइस यहाँ पर, इसको यहाँ पर लटका देते हैं फोन को। एंड फिलहाल मैं अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ, देखते यार क्या सीन है इसमें, क्या मिला है हमको काफ़ी टाइम बाद आया फेमपे का कार्ड लगा फेमएक्स यू। ये मेरा एड्रेस है, मैं इसको हाइड रखूंगा यार, मैं नहीं दिखाऊंगा। अजीब सी पैकेजिंग है यार, कहीं से भी मतलब ब्रेक वगैरह करने का कुछ भी सिस्टम नहीं दे रखा है। ये रहा गाइस मेरा फेमपे कार्ड। ये पैकेजिंग बहुत यार, ये कैसा यार गाइस, ये रहा अपना फेमपे कार्ड, आप देख ही सकते हो। फिलहाल ये इसका QR कोड वगैरह, इसमें मैं इसे ऑन करूँगा, तो फिलहाल गाइस मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, गर्मी में हालत खराब हो रही है, जल्दी से ऑन कर लेता हूँ मैं इसे। गाइस मेरी हो चुकी है, पसीने में हालत ख़राब हो ही नहीं रहा था। फिलहाल यूट्यूब पे वगैरह देख वगैरह करके मैंने ये कर लिया है पूरा। इसको फिलहाल मैं गाड़ी के ग्लव बॉक्स में रखता हूँ। एंड फिलहाल अपना फेमपे कार्ड हो चुका है एक्टिवेटेड, देख रहे हो यार मेरी हालत, देख रहे हो पसीने में यार, गाड़ी में वीडियो बनानी पड़ रही है, सोचा आपके लिए। फिलहाल गाइस अभी मैं चलता हूँ सीधे घर पे, फिर मैं आपको सुबह मिलता हूँ। हाथ मुँह वगैरह धो के हालत ख़राब हो गई, इसके चक्कर में सुबह से खड़ा रहा, भैया को आने में भी टाइम लग गया, मैंने एड्रेस ही गलत डाल रखा था गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। तो फिलहाल भी मैं आपको मिलता हूँ सीधा घर पे, बाय गाइस। फिलहाल अभी हो चुकी है रात में, वहाँ से आके थोड़ी देर सो गया था, अभी अभी उठा हूँ नहा धो के, अभी मैं हो चुका हूँ जिम जाने के लिए तैयार। एंड फिलहाल बाहर पूरा पानी भर रखा है, तो आज हम जाएंगे गाड़ी पे जिम, एंड वो भी देखते हैं कैसे का। फिलहाल अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। फिलहाल अभी भी यार गर्मी सी लग रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में गर्मी यार इतनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ फलाना ढिमकाना स्प्रे, जो आप भी मार सकते हो। एंड गाइस ये काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है, लिंक बायो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, परचेस करना तो कर लेना, बाकी आपकी खैर इच्छा होगी। एंड फिलहाल गाइस मैं भी मिलता हूँ आपको सीधे गाड़ी में, तो अभी जल्दी से चलते हैं नीचे, गिर गिर ना जाओ यार, पैर थोड़े गीले हो रखे हैं मेरे, तो अभी थोड़ी जल्दी से चलते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बाहर में, डोर वगैरह विंडो खोल के, और देखो गाइस बाहर पूरी मंदिर की गणेश जी की भंडारा वगैरह ऐसा ही कुछ टाइप चल रहा है, आप देख ही सकते हो पूरे यार नीचे, तो पूरी भीड़ भाड़ थी, मुझे लगा गाइस जिम बंद है, लेकिन जिम तो खुली है। अब इसको लॉक करते हैं, चलते हैं जिम करने के लिए। सो गाइस अभी मैं जिम से आ चुका हूँ किसी अपने रिलेटिव के घर पे, एंड फिलहाल गाइस यहाँ पर हो रही है वो गणेश जी रखे हैं ना गाइस,
तो हर एक सोसाइटी वालों ने अपने अपने रखे हैं, तो यहाँ पर अभी उसका वो भंडारा वगैरह होता है ना गाइस, लंगर वगैरह वो चल रहा है। तो हम वहाँ से सीधे यहाँ पर आगे प्लान रास्ते पे ही बन गया। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी बाहर काफ़ी शोर था तो इसलिए मैं अंदर आ गया घर पे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फिलहाल अभी जल्दी से चलते हैं, एंड वॉशरूम का बहाना करके आ गया था कि मुझे ऐसे ऐसे वॉशरूम जाना है, तो उसके बहाना करके मैं आया हूँ आपको ब्लॉग बताने के लिए। तो फिलहाल अभी जल्दी चलते हैं, क्योंकि अब तो मैं आपको बाहर जाके सारी वीडियोज़ वगैरह दिखाऊंगा आपको कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ पर मैं वॉइस ओवर वगैरह तो करने नहीं वाला। ओके, तो मैं आपको अभी मिलता हूँ सीधे बाहर। ओके बाय, नहीं बाय नहीं, मिलता हूँ बाहर। नीचे से ऊपर आ चुका हूँ, खाना वगैरह लेके अपना, एंड आपने देख लिया कैसे भीड़ वगैरह रश वगैरह था। एंड फिलहाल गैस मेरे ऊपर से एक प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पर, एकदम गंदी वाली, कि गैस मेरे जूतों के फीते वगैरह खुल गए थे, तो उसके कारण है ना गैस मैं गिरते गिरते बच गया। और हाथ में मेरी थाली दिन रहती है ना गैस, सब प्लेट वो थी मेरे हाथ में, तो गिरते गिरते बच गया गैस। फिलहाल भी मैं अंदर हूँ, एंड ऊपर ले आया था मैं खाना वगैरह, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, टेबल भी खाली नहीं था, तो इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ। एंड फिलहाल अभी कुछ खाते हुए पीते, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग शुरू करूँगा, आगे आपको क्या दिखाना वो भी सोचूंगा। तो अभी जल्दी मिलते हैं ब्लॉग में सीधे। इसमें आपको बताना भूल गया था, ये अपनी थाली जो मैंने लेके आया था यही थी गाइस, मेरे हाथ में जो गिरता गिरते बच गई थी। देखो गाइस ये पूरी कोने तक थोड़ी बहुत फैल भी गई थी। गाइस सब कुछ खत्म वगैरह हो चुका है, सारे अपने पैकअप वगैरह कर रहे हैं सारे लड़के लोग, सब कुछ वगैरह हो रखा है यहाँ पर। गाइस फिलहाल अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, एंड फिलहाल गाइस मैं इस ब्लॉग को करता हूँ ये एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर कर देना लाइक। मिलते हैं गाइस जल्दी ब्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।